हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर आते ही आते हैं। सबकी लगभग प्रॉब्लम होती है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो सवाल यही उठता है कि हम सामने वाले को अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाएं या कैसे कराएं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आपके काम का है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी को अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा यूनिक ट्रिक लेकर आया हूँ, एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो 100% वर्क करता है, सक्सेसफुल होता है। इसको आप अप्लाई करना और आप किसी भी पर्सन को अपने प्यार का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाओगे। किसी भी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी इंसान की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो सवाल है वो यही उठना चाहिए कि व्हाई नीड इट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि सामने वाले को हम अपने प्यार का एहसास कराएं, इसकी ज़रूरत आन क्यों पड़ी है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं तो एटलीस्ट एक दफ़ा तो हम चाहते हैं कि उसको हमारे प्यार का एहसास हो जाए, ठीक है। एक रीज़न ये हो सकता है कि आप कहीं मतलब आप अपने प्यार पे ही भरोसा नहीं हो सकता है आपको, आप हड़बड़ी में या बिल्कुल अंदर से अफनाह से जाते हो। तो यहाँ पे रीज़न चाहे जो भी हो, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके लिए वर्क करेगा ही। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन है कि आपके रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सामने वाला हमारे प्यार को नहीं समझता है तो हमको लगता है यार ये समझ नहीं रहा तो हमें अब क्विट करना चाहिए। तो आपके रिलेशनशिप को बचाने का पूरा यहाँ पे बंदोबस्त है। तो किस तरीके से ये ट्रिक काम करेगी, उस ट्रिक पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जब हमारे मन में ये सवाल आता है कि सामने वाले को हमारे प्यार का एहसास क्यों नहीं है, उसको हम एहसास कैसे दिलाएं, तो वहीं पर एक ये भी सवाल उठता है कि हमको एहसास क्यों है, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, समझना। पहला सवाल तो ये उठता है कि हम सामने वाले को या अपने पार्टनर को अपने प्यार का एहसास कैसे कराएं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उसको एहसास क्यों नहीं है। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो सवाल ये उठता है कि हमको तो बहुत ज़्यादा एहसास है लेकिन सामने वाले को एहसास क्यों नहीं है। इसी पे हम सारी अपनी ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं। लगभग 99% लोग जो है इसी पे अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं कि हमारे पार्टनर को हमारे प्यार का एहसास क्यों नहीं है। आपको आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है। अपनी ऊर्जा जहाँ लगानी है वो ये है कि हमको क्यों एहसास है, ठीक है, यानी हमको एहसास क्यों है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ट्रिक इतने काम करती है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हमको एहसास क्यों है, तब हमको समझ में आ रहा है, तब आ जाता है समझ में, हाँ सामने वाला जो है वो मेरे साथ क्या कर रहा है, सामने वाला मेरे को इतना इग्नोर मार रहा है या इतना है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसीलिए तो हमको इतना ज़्यादा एहसास है। क्या आप सोच सकते हो कि अगर आप भी सामने वाले की तरह करने लगो तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है ये चीज़ मैंने बता दिया। अब बताते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप जो स्टार्ट है वो रिकॉर्ड तोड़ सप्लाई से स्टार्ट करो। मतलब क्या है कि किसी को आप इतनी सप्लाई दो ना, रिकॉर्ड तोड़ कहने का मतलब है कि आप हद से ज़्यादा किसी के लिए अपनी सप्लाई को खोल दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, चाहे आप किसी को जानते हो या ना जानते हो या जिससे आप प्यार करते हो, कोई भी बंदा वो हो सकता है, उसके लिए आप अपनी सप्लाई बढ़ा दो, ठीक है। उसको उसकी ज़्यादा केयर करो, उससे ज़्यादा बातें करो, उससे हिलना मिलना सब कुछ है, खूब ज़्यादा उसको बढ़ा दो, यानी कि मैसेजेस करना, व्हाट्सअप करना, जो भी कुछ है, जितना भी आपसे बन पड़ता है ना, सब कुछ करो। अपनी सप्लाई इतनी बढ़ा दो, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा दो। लेकिन कितने दिन के लिए? लगभग 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हो, पहले से ही आपका पार्टनर है आपसे, उनसे प्यार भी करते हो, तब अपनी सप्लाई को थोड़ा सा कम कर देना। मतलब कि 10 दिन 15 दिन नहीं, आप 1 हफ्ते लगा लेना, ठीक है। 1 हफ्ते तक आप रिकॉर्ड तोड़ सप्लाई अपनी चलने दो, ठीक है। फिर क्या करो कि अपना बिहेवियर सडनली चेंज कर दो। ऐसा चेंज करो कि जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ना हो, ठीक है। कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा एक तरीके से आपको करना है। कोई भी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक अपने पार्टनर को खूब ज़्यादा सप्लाई दे दी, फिर उसके बाद जो है अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर दिया हमने कि हमारी लाइफ में हमारा पार्टनर है ही नहीं, ठीक है, या उस नाम का कोई शख्स हमारी लाइफ में है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ।
जैसे मान लो कि मैंने एक हफ्ते तक अपने पार्टनर को खूब लाइन दिया, खूब ज़्यादा सप्लाई दी, सब कुछ किया खूब ज़्यादा प्रॉपर तरीके से। फिर आठवें दिन मैंने क्या किया, अपना बिहेवियर ऐसे चेंज किया कि मैं उसके सामने खड़ा था, मैं उसके सामने होते हुए भी मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था, मानो ऐसे जैसे कि वहाँ पे उस नाम का कोई शख्स है ही नहीं। यानी कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है जैसे कि कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो फिर देखो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कितना ज़्यादा एहसास फिर होगा। यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इग्नोर मारने लगते हैं या फिर कुछ और करने लगते हैं। मैं यहाँ पे जिस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ऐसे बिहेव करना है जैसे आपकी लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब आप अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ सामने वाले को फिर आपके प्यार का एहसास होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये ट्रिक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहला काम आपको करना है कि क्वेश्चन मार्क इस पर लगाना है, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इस पर एनालाइज करना है कि हमको एक्चुअल में एहसास क्यों है, हमको इस प्यार का एहसास क्यों है। इसी पे आपको पूरा जोर देना है, इसी पे एनर्जी खर्च करनी है। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आप इस मेथड को अप्लाई करो, आपको जरूर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, बहुत कारगर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई, और एंड में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर लीजिएगा ताकि कई लोगों और की हेल्प हो सके। और एंड में अगर आपने अभी तक लव इंटेंसिटी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको इंस्टॉल करते ही, ठीक है, उस पर ये पूरा सर्च मार लेना लव इंटेंसिटी @, वहाँ पर चैनल की आईडी मिल जाएगी लव इंटेंसिटी की, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट कर सकते हो, सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।